करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन और मशहूर अभिनेता देवानंद का जन्म 1923 को गुरदासपुर जिले के शक्कड़गढ़ पाकिस्तान में हुआ था। उनका असली नाम धर्मदेव पिशौरी लाल आनंद था। उन्हें भारत का ग्रेगरी पैक भी कहा जाता है। देवानंद का जिक्र एक्ट्रेस सुरैया के बिना अधूरा है। दोनों एक वक्त शादी तक करने वाले थे, लेकिन उनकी नानी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। वजह थी दोनों के अलग अलग धर्म। देवानंद और सुरैया की पहली मुलाकात फिल्म जीत के सेट पर हुई थी। देवानंद ने अपनी किताब रोमांसिंग विथ लाइफ में इस मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा है, सीन की शूटिंग से पहले मैं सोच रहा था कि देश की ड्रीम गर्ल जो अपने हर फैन के दिल में बसती है, वो आज मेरे गले में अपनी बाहें डालेगी। देवानंद आगे लिखते हैं, कितना अच्छा होगा अगर उस समय कोई मेरी तस्वीर खींच सके। शॉट शुरू होने से पहले मैंने सुरैया से कहा, मेरे बालों को जरा ध्यान से हाथ लगाइएगा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हाँ मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे पफ को ख़राब नहीं करूँगी। फिल्म विद्या के दौरान एक सीन नाव में फिल्माया जा रहा था, तभी नाव पलट गई और सुरैया पानी में डूबने लगी। देवानंद ने तेजी से तैरते हुए ने बचा लिया। 40 साल बाद यानी 1987 में एक इंटरव्यू में सुरैया ने इस घटना का जिक्र किया था। सुरैया ने बताया, मैंने देव साहब से कहा, अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मैं ख़त्म हो जाती। उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो मैं भी ख़त्म हो जाता। मुझे लगता है यही वो पहला पल था जब हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। सुरैया का काम उनकी नानी और मामा संभालते थे। नानी को देवानंद के साथ सुरैया का रिश्ता मंजूर नहीं था। इसके बाद सुरैया की नानी ने साफ कह दिया कि वो शूटिंग के बाद देवानंद से बिल्कुल बात ना करें। घर वालों की सख्ती से परेशान देव और सुरैया ने फैसला किया कि वो फिल्म के सीन के दौरान असली में शादी कर लेंगे। फिल्म जीत की शूटिंग में देवानंद और सुरैया की शादी का सीन फिल्माया जा रहा था। उन्होंने असली पंडित को बुलाया जो असली मंत्र पढ़ने वाला था। तभी एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने सुरैया की नानी को ये खबर दे दी। सुरैया की नानी उन्हें सेट से खींचकर जबरदस्ती घर ले गई। बाद में सुरैया ने कहा इंटरव्यू में, मुझे हर रोज समझाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के हमारे कई करीबी लोगों को बुलाया जाता था। वे मुझे समझाते थे, देव के साथ शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। सुरैया आगे बताती हैं, एक्ट्रेस नादिरा के पहले पति नक्शब ने तो हमारे सामने कुरान ले आए और बोले कि इस पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम देव से शादी नहीं करोगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने देवानंद से शादी की तो देश में दंगे हो सकते हैं। मैं बहुत डर गई थी, मेरी हिम्मत टूट गई थी जब नानी और मामा ने देव को जान से मारने की धमकी दी।